सीरियसली गाइज, मतलब इतनी धासु धासु बातें निकल करके आएंगी, ये बहुत ही शॉकिंग निकल करके आ रहा है कि भाई अली अब्बा जफर का जो विजन है वो अपने आप को मतलब फैलाते जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई साहब, यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर हमारे भाई जिन्होंने भाई ये न्यूज आर्टिकल सेंड किया था, नितिन भाई, थैंक यू सो मच। और भाई अब बात करते हैं सीन भाई, ये है ना कि जबरदस्त न्यूज ये निकल करके आ रही है कि हमारी जो लेडीज लोग हैं, सारी की सारी लेडीज, मतलब चाहे आप सोनाक्षी की बात करो, अलाया की बात करो, मानुषी की बात करो, अगर आप ऐसा सोच रहे थे कि सोनाक्षी एक्शन परफॉर्म करेगी और अलाया मानुषी नहीं करेंगे, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। सोनाक्षी तो परफॉर्म करेगी, लेकिन उसके अलावा भाई अलाया एफ भाई साहब, यहाँ पे मानुषी चिल्लर, हर किसी को भाई, किसी को नहीं छोड़ा भाई, अली अब्बा जफर ने किसी को नहीं छोड़ा, हर किसी से एक्शन परफॉर्म किए गए। भाई बात निकल करके आ रहा है कि अलाया इसके अंदर एक कंप्यूटर एक्सपर्ट होने वाली है, मानुषी का आपको ऑलरेडी पता चल चुका था भाई साहब, मानुषी यहाँ पे साइबर एक्सपर्ट वाइज हैकिंग वगैरह बंदी करने वाली है। और उसके अलावा भाई साहब यहाँ पे हमारी सोनाक्षी, भाई सोनाक्षी खुद एयरफोर्स ऑफिसर है भाई, वो खुद आर्मी के अंदर है, तो वो सोचने वाली बात है कि उसकी जो जोड़ी जमेगी तो हमारे दोनों स्टार्स के साथ बहुत ही नेचुरल होने वाले। एंड एक और चीज भाई, एक और जबरदस्त चीजें निकल करके आ रहा है इस मूवी के अंदर भाई, यहाँ पे बच्चों का ध्यान रखते हैं वैसा फैमिली फ्रेंडली बनाने की बहुत कोशिश की गई। देखो आपको एडवांस लेवल की चीजें मिलेंगी, सब कुछ नेक्स्ट भाई साहब, सब कुछ यहाँ पे धमाकेदार होगा, बहुत ही तगड़े एक्शन एंड लार्जर देन लाइफ एक्शन सीन्स को बनाने के लिए भाई साहब यहाँ पे जो वेपन्स यूज किए गए इस मूवी के अंदर, सीरियसली गाइस, जो वेपन्स यूज किए गए अभी तक हम लोगों ने उसकी झलक नहीं देखी है भाई, ये बात निकल करके आ रही है कि अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे वेपन्स की झलक नहीं देखी है। एडवांस लेवल के वेपन्स यूज किए गए हैं जो अक्सर आप मार्वल्स की मूवीज में विटनेस करते हो, वो भाई साहब यहाँ पे वेपन्स यूज किए गए अपने इस फिल्म मेकिंग के अंदर। भाई अली बजर पागल हो चुका है यार, ये बंदा मुझे लगता है सीरियसली साइको हो चुका है, कुछ भी कर सकता है अपनी मूवी को नेशनल पहुंचाने के। लेकिन एक और चीज भाई साहब यहाँ पे क्लेरिफिकेशन दे दूं कि इस मूवी के अंदर ब्रूटैलिटी नहीं है, मतलब जैसे आप सोचते ना कि बहुत खून खराबा, किसी को चाकू मार दिया, पिचकारी निकला ऐसा खून का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी है काफी अलग वे में दिखाने की कोशिश की गई, जिस तरह से मार्वल की मूवीज होती है ना भाई, कि वहां पे आप सब कुछ एक्शन फील करते हो, हर चीज फील करते हो, लेकिन वहां पे आप ना खून खराब विटनेस नहीं करते, तो वो चीजें यहाँ पे रखी गई। जो भी होगा ऐसा होगा भाई साहब, फैमिली ऑडियंस जाए थिएटर के अंदर, बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी इसको देख पाए, ऐसी मूवी बनाई जा रही है। एंड ये भाई सैल्यूट करने वाली चीज है कि ये बंदा पहले से तैयारी करके बैठा है, मतलब बड़े लोगों के लिए बड़े एक्शन है भाई साहब, बड़े लेवल पे इक्विपमेंट से, लेकिन बच्चों के लिए भी यहाँ पे ह्यूमर रखा गया। गाइस अक्षय एंड टाइगर के बीच में सिर्फ बोलने के लिए नहीं, एक्चुअली में बहुत सारे सीन्स, मतलब मान के चलो कि जब वो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएंगे ना, एक्शन सीन्स परफॉर्म करते हुए भी साथ साथ में आपको हंसाने की भी कोशिश करें। और भाई जितने मेजर आप सीन्स देखते हो इस मूवी के अंदर, जो भी आप एक्शन सीन्स, वो चॉपर हेलीकॉप्टर वाले, चिनूक हेलीकॉप्टर, सारे के सारे भाई साहब यहाँ पे अबू धाबी में परफॉर्म किए गए। भाई साहब यहाँ पे जो नॉर्मल सी चीजें हैं जो आप लोग देखते हो, जैसे कई सारे इक्विपमेंट्स है, मिसाइल लॉन्चर हो गया, यहाँ पे कई सारे कंटेनर्स वगैरह हो गए, तो सारे के सारे इंडिया में खुद बना करके इसको भाई यहाँ पे मतलब समुद्री रास्ते से यहाँ पे अबू धाबी लेकर के गए। और जो ज्यादातर शूटिंग हुई है वो एक्चुअल में रियल लोकेशंस की हुई है भाई साहब, यहाँ पे अबू धाबी के अंदर सारे के सारे रियल लोकेशंस के ऊपर शूटिंग की गई। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपने टीजर देख लिया, आपको पूरा आइडिया लग चुका है, तो नहीं, अभी आपने कुछ नहीं देखा, अभी ट्रेलर के अंदर बहुत कुछ चीज दिखाने बाकी, अभी इनके पास इतनी सारी चीजें दिखाने के लिए कि जब आप मूवी देखोगे तभी आपको मालूम पड़ेगा कि भाई क्या कुछ है इसके अंदर। तो एक बोलते हैं ना कि हर मूवी मेकर का सपना होता है, भाई साहब यहाँ पे साउट आउट देना पड़ेगा भाई हमारे मेकर्स को यार, भाई हमारे वाशु बगनानी, जैकी बगनानी, पूजा एंटरटेनमेंट भाई, अली अब्बा जफर प्रोडक्शन हाउस भाई, हर किसी ने बहुत पैसा खर्चा किया, सारे के सारे पैसे यहाँ पे लगाए गए, इन चीजों में लगाए गए। सीरियसली यार बहुत नेक्स्ट लेवल, बहुत डेडली। एंड आई थिंक भाई यहाँ पे कुछ बोलने लायक नहीं है कि ये कमी हो गया वो कमी, भाई हर एक चीज का ध्यान रखा जा रहा है, हर एक लिटरली हर एक चीज का सब कुछ डाला जा रहा है, सब कुछ। आई थिंक फैंस को भाई अब बेचैनी होगी कि यार जल्दी से जल्दी मूवी आ जाए, जल्दी से जल्दी चीजें आ जाए। सीरियसली यार मतलब धमाका बहुत जबरदस्त हो गया। कमेंट करना आपको कितने एक्सपेक्टेशंस बड़ी फिलहाल के समय, और क्या लग रहा है भाई मूवी कितनी बड़ी धमाका कर सकती है, आपके एक्सपेक्टेशंस बढ़ाओ। मैं सिंपल सी बात बोलूंगा भाई, एक्सपेक्टेशंस बढ़ाने की शुरुआत कर दो, क्योंकि ये मूवी बहुत ही बड़े सरप्राइज के साथ आ रही है। थैंक यू सो मच वॉचिंग, अभी के लिए इतना, चैनल पर सब्सक्राइब ना अभी के अभी, बाय बाय।